बिंदु असंरेख होते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ इन सब के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके थे, बिल्कुल। अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि डेली की क्लासेज में होता है, इन लास्ट क्लास में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में किसी को भी आंसर नहीं देना। ये पढ़ लिए थे क्या हमने, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है, हमने पढ़ लिया था लाइन लाइन सेगमेंट और रे, नहीं पढ़ा था ना? हाँ ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ना है, बहुत बढ़िया, हाँ जी ये पढ़ना है। अच्छा उससे पहले सभी बच्चे जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसका आंसर देना है, और सभी को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। अब हमें एक चित्र दे रखा है, उस चित्र में से हमें संरेख बिंदु देखने हैं कि संरेख बिंदु कौन कौन से हैं। इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं। आप सभी को थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा ये डायग्राम, तब आप अपना आंसर कर पाओगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे अपना क्वेश्चन। सभी को दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? हाँ जी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब आंसर कमेंट में नहीं करना, किसी को ये ध्यान रखना है आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके ही करना है। क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से। अब पहले ऑप्शन में दे रखा है ए ओ क्यू, मतलब ये तीन पॉइंट्स हैं क्या। दूसरे में दे रखा है ए ओ और एम, तीसरे में है पी ओ आर, और चौथे ऑप्शन में हमारे पास बी ओ एल। अब आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से कोलिनियर हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका आंसर कर चुके हैं। अब हम लास्ट 10 सेकेंड और वेट करेंगे, फिर हम इसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड और वेट करते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड और है, 5 4 3 2 1, टाइम अप, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हमें बताने हैं कि संरेख बिंदु या फिर कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए चेक करते हैं। पहला है ए ओ और क्यू, तो ए कहाँ है, ए ये रहा, ओ ये रहा इस जगह पे, और क्यू क्यू ये रहा। अच्छा ये तो हमें यहां से क्लियर ही दिख रहे हैं ना कि यदि मैं ए और ओ को मिलाऊं तो क्यू इस लाइन पे नहीं आएगा, मतलब ए ओ क्यू क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, ए ओ एम, ए ये रहा, ठीक है। तनिष, आपका तनिष के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ए ओ एम, एम यहां है। हाँ जी तनिष के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा आपने हैंड रेज किया था, मैंने इसलिए पूछा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप यहां तीनों पॉइंट्स को भी देख सकते हो, मान लो आप इन दोनों को मिलाते हो तो एम छूट जाता है, यदि आप ओ और एम को मिलाते हो तो वो तो इस लाइन पर है, तो उस केस में ए छूट जाएगा। मतलब तीनों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर नहीं आ सकते, इसलिए हम ये कहेंगे कि बी ऑप्शन भी गलत है। चलिए अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, पी पी कहाँ है, पी ये रहा, ओ कहाँ है, ओ ये रहा, आर आर ये रहा। अच्छा ये तीनों तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों बिंदु तो एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर है, या एक ही रेखा पर है, या एक ही सीध में है। अगर ये एक ही सीध में है तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी चलिए अब हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, सिंस इसमें चार ऑप्शन हैं तो ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है बी, बी हमारा ये रहा, ओ ओ हमारा यहां है, और एल एल यहां है। मतलब ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों तो एक सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
कि पॉइंट पी ओ आर ये कोलिनियर पॉइंट है। लीला किशन के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज आप अपने को म्यूट कर लें। हाँ अच्छा, हाँ अभी सभी को आवाज आ रही होगी सही। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे क्लास में अपने आप को अनम्यूट रखेंगे, सभी सॉरी म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एक भी बच्चा अनम्यूट करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, जैसा कि अभी आपने देखा था। हाँ अब आपका सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा उनका पॉइंट है, उनका क्वेश्चन है कि सर अगर दो पॉइंट है तो कोलिनियर होंगे क्या? हाँ जी, तो लास्ट क्लास का अगर याद होगा ना तो वहां तो मैंने समझाया था अलग से कि दो पॉइंट्स कहीं भी हो वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, चाहे मान लो एक पॉइंट यहां है, अब इसके साथ दूसरे चाहे यहां हो कहीं हो, ठीक है। अब मैं सारे पॉइंट्स की एक साथ बात नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मान लो आपने ये दोनों किए तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, मान लो ये दोनों किए तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, ये दोनों किए तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, तो दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। जब भी हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के लिए चेक करते हैं तो कम से कम तीन पॉइंट्स होने चाहिए, थ्री पॉइंट्स वहां होने चाहिए, तब हम चेक करते हैं। अगर तीन से कम है तो वो अपने आप ही कोलिनियर या फिर संरेख होंगे, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ेंगे। हाँ थ्री और मोर पॉइंट्स होने चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसको समझते हैं, सबसे पहले हम रेखा के बारे में सीखते हैं, लाइन क्या होती है। तो अच्छा अब मैं यदि किसी से भी पूछूं कि आप अपनी कॉपी पे लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या, कोई बच्चा ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा, कोई हो सकता है इससे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दे, कोई हो सकता है इस तरह की ड्रॉ करे, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये सारी की सारी जो लाइन, ये जो सारी की सारी शेप्स जो बनाई है या आकृतियां जो आपने बनाई है वो एकदम सही है, सभी की लाइन है। अब फिर आपको ये होगा कि फिर से लाइन को हम पहचानते कैसे हैं, कि लाइन होती क्या है। तो ध्यान रखना है आपको कि लाइन क्या होती है, इसको ना हम दोनों तरफ अनंत तक या बहुत ही लंबी दूरी तक, अनंत हम किसको कहते हैं कि जो बहुत ही बड़ा हो, तो बहुत ही लंबी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। कैसे, कि मान लो मैंने इसको इस तरह से बनाया, ठीक है, अब मैं इसको इधर भी कहीं तक बढ़ा सकता हूं और इस साइड भी कहीं तक बढ़ा सकता हूं। अब फिर आपका डाउट होगा कि सर फिर हम इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे, ये भी तो है ना कि अगर मैं कहीं तक भी बढ़ा सकता हूं तो कॉपी तो हमारी एक निश्चित लिमिट की होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है, तो मैं कॉपी पे कैसे बनाऊं फिर इसको। तो हमने क्या किया, गणित में किसी भी लाइन को या किसी भी रेखा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सीख लिया, वो क्या, कि यदि हम किसी भी लाइन के दोनों सिरों पर इस तरह के एरो का निशान बना दें, ठीक है, तो एरो का निशान ये बताता है कि मैं इस लाइन को इधर भी अनंत तक बढ़ा सकता हूं और इधर भी अनंत तक बढ़ा सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखा होती है उस, ये जो लाइन होती है उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, ठीक है, कोई सर्टेन लेंथ नहीं होती उसकी, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है उसे हम मेजर नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमारी कॉपी में तो लगभग इतनी बनी होती है ये वाली, हम इसको भी लाइन बोलते हैं, तो उसकी तो हम मेजर कर ही सकते हैं ना। तो ये जो लाइन है इसका मतलब है कि ये इधर भी अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकती है, तो उस केस में आप इसको मेजर नहीं कर सकते। समझ में आया ये कि लाइन क्या होती है, इस तरह की एक जो लाइन होती है जिसको हम दोनों साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसे हम लाइन या फिर रेखा कहते हैं। अच्छा तो यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं लाइन के बारे में, क्या, एक तो ये तो हमने पहले ही सीख लिया था कि लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों साइड एरो का निशान लगा देते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसकी जो लंबाई है रेखा की या लाइन की जो लेंथ है वो निश्चित नहीं होती। क्या होती, निश्चित नहीं होती, मतलब हम इसको नाप नहीं सकते, निश्चित नहीं होती है। अच्छा और दूसरी क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता या एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता है, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। हाँ जी, सीमा रानी के नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने बोला है डायमेंशनल फिगर दैट हैज
नो थिकनेस एंड एक्सटेंड। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने यही बोला है कि जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है, मोटाई तो नहीं होगी ना, क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो पॉइंट से ही मिलके बनी होती है। अब हमने पॉइंट में तो पढ़ा था कि पॉइंट की तो ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। अब बहुत सारे जब पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मोटाई तो उनकी है ही नहीं, केवल उनकी लंबाई है, ठीक है? तो इसलिए लंबाई भी अनंत लंबी होती है, या फिर उसकी लंबाई हम नहीं नाप सकते। हाँ लंबाई के बारे ये सीख गए ना, रेखा के बारे में दो पॉइंट्स क्या कि एक तो उसकी जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती, और उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु नहीं होता तभी तो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। अगर अंत बिंदु मिल जाता हमें तो शायद हम उसकी लंबाई नाप सकते थे, ठीक है? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है रेखाखंड। अच्छा इसको ना, इसको आप इंग्लिश में भी है लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का ही एक पार्ट, सेगमेंट का होता है एक पार्ट होता है, या फिर इसको यहां से देखें रेखा का एक खंड, ठीक है? अगर मान लो ये पूरी एक रेखा है, और यदि मैं इसके इस पार्ट को लूं, ठीक है, केवल इस पार्ट को, इसको मैं नाम दे दूं पी और क्यू, तो ये वाला लाइन सेगमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये मैंने रेखा का एक हिस्सा ले लिया है। समझ में क्या नहीं आ रहा? एक बार ये बताओगे लाइन या लाइन सेगमेंट? सत्यवान जी, अच्छा मैंने ना आज आपको पहली बार देखा है क्लास में, आपने पिछली क्लासेस ज्वाइन की है क्या? पता नहीं, मतलब आपने शायद कमेंट कम करते होंगे। आप ये बता दीजिए, चलो आपको समझ में कहाँ नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सत्यवान के नाम से जो भी बच्चा है, आप ये बता दीजिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कमेंट में लिख के भी बता सकते हो कहां समझ में नहीं आया आपको। अच्छा आप नहीं बताओगे तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मुझे क्या एक्सप्लेन करना, ये तो पता चले ना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है? चलिए जब तक आप नहीं बताते हैं हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने बीच में बता दिया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलिए रेखाखंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो रेखाखंड में क्या बताया कि एक लाइन का ये पार्ट होता है, या फिर रेखा का ये खंड होता है, जैसे हमने यहां बोला था पी और क्यू। अब चूंकि ये खंड है तो हमें ये भी पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और हमें ये भी पता है इसका एंड पॉइंट क्या है। जैसे कि इस उदाहरण में आप देख सकते हो ए बी दे रखा है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम यदि ए को मान ले तो बी इसका एंड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये केवल ए और बी के बीच में ही है, ना तो मैं इसको इधर की साइड बढ़ा सकता हूं ना इस साइड, क्यों? क्योंकि यहां तो एरो लगा ही नहीं है, इसलिए ये केवल ए से बी पे ही खत्म हो जाता है, बस ये इतना ही लंबा है, ठीक है? अब यहां से फिर क्या कह सकते हैं कि जो रेखा खंड होता है या जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ फिक्स होती है, उसकी लेंथ फिक्स होती है, और उसके यदि मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं तो उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, या दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु कहां होते हैं? जहां पे जाके वो खत्म हो जाए, ठीक है? अगर मैं स्टार्टिंग देखूं तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब यार इससे इधर नहीं जा रहा लेफ्ट साइड में, तो एक एक अंत बिंदु तो ये वाला हो गया इसका, और एक ये बी वाला हो जाएगा इसका, मतलब ये इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो इसके दो एंड पॉइंट्स हो गए या दो अंत बिंदु हो गए, ठीक है? तो रेखाखंड आपको ध्यान रखेंगे आप। अब रेखाखंड को फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लो, जैसे आपने रेखा में देखा था या लाइन में देखा था कि दोनों साइड एरो लगा देते हैं, तो यहां इस तरह से दो पॉइंट्स बना देते हैं दोनों तरफ। पॉइंट्स ये दिखाता है कि ये लाइन सेगमेंट केवल यहीं तक है, इससे ज्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा अब तीसरे किरण पे आते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रे कहते हैं। रे क्या होती है? तो रे रेखा और रेखाखंड के बीच में होती है, जैसे रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता और रेखाखंड में केवल एक, सॉरी दो अंत बिंदु होते हैं, इसी तरह रे क्या होती है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन इसका अंत बिंदु हमें नहीं पता कि ये अंत बिंदु कहाँ होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि इसका उदाहरण क्या है। सभी ने टॉर्च देखी ना, अपने घरों में टॉर्च देखी होगी। हाँ लाइन सेगमेंट को मैं रिपीट करता हूं, पहले किरण को बता दो फिर लाइन सेगमेंट पर फिर से आ जाऊंगा मैं। सभी ने अपने घरों में टॉर्च देखी है क्या? टॉर्च, हाँ जल्दी से कमेंट बताइए, कमेंट करके टॉर्च देखी है। तो जो टॉर्च की लाइट होती है उसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है ना, कि वो तो टॉर्च से ही निकल रहा है, या टॉर्च में जो बल्ब होता है वहां से है,
लेकिन उसका एंड पॉइंट कहाँ है पता नहीं। कई बार होता है कि वो काफी दूर तक हमें उजाला दे देती है, तो उसका अंत बिंदु हमें नहीं पता होता। स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन अंत बिंदु नहीं पता होता, इसलिए वो भी एक किरण या फिर रे का उदाहरण है। अच्छा, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपने सबने सुना होगा ना कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है? ये तो आपने सबने सुना होगा। तो मतलब जो सूर्य की किरण है वो भी किरण का ही एक उदाहरण है। कैसे? उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि वो सूर्य से आ रही है, है? सूर्य से आ रही है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ है हमें कहीं नहीं पता। जहां तक भी हम देख सकते हैं वहां तक सूर्य की किरण पहुंच जाती है, ठीक है? सबसे अच्छा उदाहरण ये हो गया। तो रे को तो आप इस तरह से याद रखोगे कि उसका एक अंत बिंदु होता है, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये तो मुझे पता है, लेकिन ये जाएगा कहां तक वो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये ना बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे टेढ़ी नहीं हो सकती। आप कहीं ये बना दो, ये नहीं होता रे किरण, ये कभी नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है? अच्छा, अब एक बच्चे का डाउट था, अमन के नाम से जो भी बच्चा है, कि लाइन सेगमेंट को रिपीट कर दीजिए। तो चलिए लाइन सेगमेंट को रिपीट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये सब इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए लाइन सेगमेंट क्या है। तो हम लाइन सेगमेंट में ही बात कर रहे थे। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट मतलब उसका एक पार्ट, मतलब लाइन का आप कोई भी पार्ट ले लो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है? जैसे मान लो मैं इसी लाइन की बात करूं, मैं इसका एक सेगमेंट लेता हूं, यहां से स्टार्ट होता है और यहां खत्म हो जाता है। इसका नाम मैंने दे दिया एक्स और इसका नाम दे दिया वाई। अब नाम क्यों देते हैं? ताकि आप उसको बता सको कि मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है? इसलिए अब ये यहां से हम देख सकते हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया, तो इन दोनों के बीच में तो इसकी डिस्टेंस कह लो चाहे इसकी लंबाई कह लो, वो तो फिक्स होगी ना। इसको तो मैं नाप भी सकता हूं कि यहाँ एक्स पे एक स्केल यहां से स्टार्ट करके यहां देखो, तो मैं स्केल की सहायता से इसको नाप सकता हूं कि ये कितना लंबा है। मतलब इसकी लंबाई भी फिक्स हो गई और इसके एंड पॉइंट भी पता है मुझे, कैसे? कि एक्स से स्टार्ट हुआ है और वाई पे खत्म हो गया। तो इसके दो तो अंत बिंदु हो गए रेखाखंड के और इसकी लंबाई भी फिक्स होती है। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, मैं ना सबको समराइज कर देता हूं दो चीजों में, कैसे? कि इसके कितने अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु। तब तक आप कमेंट में ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं। अंत बिंदु को हम कहते हैं एंड पॉइंट्स और लंबाई या फिर लेंथ, ठीक है? इन तीनों चीजों को इन्हीं में बांट देते हैं कि हम कैसे कैसे इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? हाँ, अगर आ भी गया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी समझेंगे। अगर मैं रेखा की बात करूं तो उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, तो उसके जीरो अंत बिंदु होते हैं। और लंबाई कितनी होती है उसकी? अनंत होती है, उसकी लंबाई अनंत होती है या इन्फिनिटी होती है, ठीक है? अनंत मतलब जिसको हम नाप ही नहीं सकते। अगर मैं रेखाखंड की बात करूं तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होता है और यहां खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है, तो हमारे दो एंड पॉइंट होते हैं। और उसके अलावा यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो वो निश्चित होती है, मतलब सर्टेन होती है। निश्चित क्यों होती है? क्योंकि हम उसको नाप सकते हैं। अगर मैं किरण की बात करूं, किरण मतलब रे, तो रे का कितने, जल्दी बताइए, अंत बिंदु कितने होते हैं किरण के? कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे, अंत बिंदु या एंड पॉइंट्स कितने होते हैं एक रे के? अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही, सभी का एकदम बिल्कुल सही आंसर है कि इसका एंड पॉइंट एक होता है और इसकी भी लंबाई अनिश्चित कह लो या उसको अनंत कह लो, ठीक है? अनिश्चित भी कह सकते हैं या अनंत भी कह सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से इसमें भी अनिश्चित भी आ सकता है और अनंत भी आ सकता है। अनिश्चित यानी कि सर्टेन नहीं होती, यह है ना समझ में सभी के? ये तीनों पॉइंट्स, अंत बिंदु और लंबाई के बारे में पता है ना तीनों की? जल्दी से बता दीजिए, पता है तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको पता है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको पता है, हाँ पता है ना, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शायद आपको मेरी स्क्रीन दिखनी बंद हो जाएगी, हाँ, तो उसके लिए आपको एक मिनट से भी कम वेट करना पड़ेगा। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लग जाएगी, बस कुछ सेकंड का वेट करना है आपको। हाँ,
अभी सभी को मेरी स्क्रीन फिर से दिखने लग गई होगी, और मेरी स्क्रीन जो दिख रही है वो अभी पिछली वाली है। यहाँ हमने तीनों पॉइंट्स को समराइज किया था, किस किस को, लाइन को, लाइन सेगमेंट को और रे को। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है, किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं लिखना, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज ए लाइन सेगमेंट हैव। सभी को कमेंट में लिख के बताना, सॉरी कमेंट में लिख के नहीं बताना, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में बताना है। कमेंट में किसी भी बच्चे को नहीं लिखना है अपना आंसर। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही आसान है। अभी हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया ही था, अभी हमने इन्हीं के बारे में तो डिस्कस किया था कि लंबाई कितनी होती है और अंत बिंदु कितने होते हैं, बस इन सब के बारे में डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका भी आंसर कर चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर सबमिट करें। 5 सेकंड और बचे हैं, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम खत्म। हाँ जी, बस ठीक है, चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिस्कस करने का कुछ इतना है नहीं, क्योंकि हम रेखाखंड की बात करते हैं, तो रेखाखंड क्या होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाता है। मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, तो एक तो इसका ये वाला एंड पॉइंट होता है और एक ये होता है, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया, तो अभी आपकी स्क्रीन पर सभी बच्चे तैयार रहे, एक और क्वेश्चन आने वाला है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आने वाला है, जिसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में जाके ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी बच्चे अब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर पोल सेक्शन में ही करना है। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, यहां ध्यान रहे अंत बिंदुओं की बात नहीं की है, यहां अंत बिंदुओं की बात नहीं की है, यहां पूछा है कि एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, ये आपको बताना है सभी बच्चों को। सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है, कमेंट में किसी को नहीं लिखना। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका भी आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी अभी जिस भी बच्चे ने ज्वाइन किया हो, तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और उन्हीं के ऊपर हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं। अच्छा, इसमें भी ना काफी बच्चों के आंसर सही हैं, एक या दो बच्चे ने कुछ अलग अलग आंसर दिए, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ आपका हो गया ना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, समय समाप्त। चलिए चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें क्या बताया था कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जो रेखा है उसकी जो लेंथ है वो कोई इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, तो उस पर तो आप कितने भी पॉइंट बना सकते हो, जितने मर्जी चाहे, इतने कि आप गिन भी नहीं सकते, इतने पॉइंट्स बना सकते हो। इसलिए एक रेखा पर हम ये कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, उस पर बिंदुओं की संख्या कोई फिक्स नहीं होती। अभी ध्यान रहेगा आपको कि हमने रेखा के ऊपर बात की है, अभी इससे पहले क्या बात कर रहे थे, अंत बिंदुओं की, तो अंत बिंदु तो उसका एक भी नहीं होता, लेकिन रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, तो बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्यों, क्योंकि बिंदुओं से मिलकर ही एक रेखा बनी होती है। मान लो एक इस तरह से बना दूं, मैं इस तरह से बनाता जाऊं बिंदु है, और ये इनको बहुत ही पास पास बना दूं, ठीक है, इस तरह से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ऐसे ही मैं इस साइड बहुत सारे बिंदु बना सकता हूं और इस साइड भी बहुत सारे बिंदु बना सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो आपने सीख लिया कि एक रेखा पर तो अनंत बिंदु होते हैं या इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, लेकिन यदि मैं आपसे रेखाखंड और किरण की बात करूं ना, तो उस पे भी अनंत बिंदु होते हैं।
क्यों? अब आपको डाउट होगा कि सर रेखाखंड की लंबाई तो निश्चित होती है, फिर उस पर अनंत बिंदु कैसे हो सकते हैं? क्योंकि रेखाखंड की निश्चित तो होती है। मान लो मैंने इतने बड़ा रेखाखंड बना लिया और किसी बच्चे ने और उससे भी बड़ा बनाया है, तो गिन तो मैं उस पर भी नहीं सकता ना, उस पर भी तो मैं छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु बना सकता हूं। ये मुझे पता है, इसकी लंबाई तो निश्चित है, यहां से स्टार्ट हुई है और यहां खत्म हुई है, निश्चित। चलो लंबाई तो मैंने बता दिया कि लंबाई तो निश्चित है, लेकिन यदि मैं इसके ऊपर कितने बिंदु स्थित हैं तो वो तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, क्योंकि बिंदु तो बहुत ही छोटा सा होता है। जैसे मान लो मैं रेड कलर से बना के बताऊं आपको, शायद आपको दिखेगा भी नहीं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये इतने इतने से बिंदु होते हैं, तो इतने तो बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे, ठीक है? इसलिए चाहे वो रेखा हो, रेखाखंड हो, चाहे किरण हो, तीनों पे ही अनंत बिंदु उपस्थित होते हैं। यह ध्यान रहे, दो चीजें हैं कि उनके ऊपर कितने बिंदु उपस्थित हैं और उनके कितने अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु हमें पता है सभी के, रेखा के 0 होते हैं, रेखाखंड के 2 होते हैं और किरण के 1 होता है, ये तो होते हैं अंत बिंदु। अंत मतलब एंड पॉइंट्स, कि कहाँ खत्म होती है या कितने बिंदुओं पर खत्म होती है, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ कि उस रेखा के ऊपर, चाहे वो रेखा हो, रेखाखंड हो, चाहे वो किरण हो, उनके ऊपर कितने बिंदु होते हैं, तो वो अनंत होते हैं। ये आया समझ में, बिंदुओं का कॉन्सेप्ट, कि उस पर कितने बिंदु होते हैं, कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आया कि सभी को समझ में? अगर किसी का डाउट हो तो कोई भी बच्चा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। समझ में आया ना कि इस क्वेश्चन में तो केवल रेखा पर पूछा है आपसे, चाहे रेखाखंड पे पूछे चाहे किरण पे पूछे, यानी कि लाइन सेगमेंट हो चाहे रे हो, सभी पे ही इंफिनिटी पॉइंट होते हैं या अनंत बिंदु होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अब सभी के समझ में आ गया, तो इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सभी को पोल सेक्शन में जाके ही अपना आंसर करना है। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन कर लेना। हाँ जी बिल्कुल, कम दिखाई दे रहा है केस पे? हिसार सिटी के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे कि आपको थोड़ा सा कम वो दिखता है कि ब्लैक स्क्रीन पे अच्छा दिखता है, ऐसा है क्या? ब्लैक स्क्रीन पे अच्छा दिखता है क्या? कमेंट में ये बता दीजिए, ब्लैक स्क्रीन पे अच्छा दिखता हो तो ब्लैक करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा ऐसे ही, कोई बात नहीं। अच्छा इस पे भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हाँ, कुछ ने बोला अच्छा दिखता है, कुछ ने बोला कि नहीं, ठीक है। अच्छा इस पे ना हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इस क्लास के एंड में, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर इस पे, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड इतना नहीं है, तो इस पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तब तक सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो नीचे आकृतियां दी गई हैं उनमें से आपको किरण पहचाननी है, कि किरण कौन सी है। अब हमने अभी बताया था कि किरण की कैसे पहचान करते हैं, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी भी एक या दो बच्चे बचे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं किया है, अभी भी हैं एक या दो बच्चे। सभी बच्चों को क्या करना है? पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करना है। क्वेश्चन है कि जो नीचे चार आकृतियां आपको दी गई हैं उनमें से किरण पहचानी है, कि किरण कौन सी है, जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, काफी बच्चे दे चुके हैं, लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं, हम 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीचे जो आकृति हमें दी गई है किरण पहचानी है। अच्छा, हमें किरण के बारे में क्या पता है कि उसका एंड पॉइंट 1 होता है। अच्छा एंड पॉइंट 1 हो गया, और दूसरा है कि जो उसकी लेंथ है वो अनंत तक होती है, मतलब चाहे मैं इस साइड बनाऊं इसको तो ये ऐसे एरो आ जाएगा, अगर मैंने मान लो यहां से इस साइड बनाई होती तो ऐसे आ जाता। मतलब क्या है कि हमें इस तरह की एक वो ढूंढनी है जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरे साइड एरो का साइन हो। एरो का साइन क्या बताता है? कि ये अनंत तक जाती है। पहले ऑप्शन को यदि मैं देखूं, ओह पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया कि एस, तो इसका एंड पॉइंट हो गया, यहां से स्टार्ट हो रही है और ये इस साइड जा रही है, क्यों? क्योंकि यहां हमें एरो का निशान दे रखा है, इसका मतलब ये हमारी रे है, रे या किरण है, ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन में देखूं तो बी ऑप्शन में ये यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां जाके खत्म हो जाती है,
इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है या फिर रेखाखंड है ये तो। क्यों? क्योंकि इसके तो दो अंत बिंदु हैं और इसकी लंबाई निश्चित है। इसी तरह तो बी तो गलत हो गया। इसी तरह से ऑप्शन सी में भी यहां से स्टार्ट हो रहा है ये और यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये भी लाइन सेगमेंट है, तो सी भी गलत हो जाएगा एंड सी ऑल्सो। हाँ जी, सी भी रेखाखंड है। और यदि मैं डी की बात करूं तो डी तो लाइन है या रेखा है, क्योंकि ये इधर भी एरो है और इधर भी एरो है, मतलब ये यहां से भी अनंत तक जा सकती है और इधर से भी अनंत तक जा सकती है, तो इसका तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई या फिर रेखा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको समझ में आया लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को आप किस तरह से पहचानोगे। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड गलत नहीं करना है, अगर कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो सभी आपको सही करने हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम रेखाओं के प्रकार की बात करते हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर रेखाएं होती तो दो ही प्रकार की हैं, कौन कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इन्हीं का एक स्पेशल प्रकार होता है परपेंडिकुलर लाइंस। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं इन्हीं का एक स्पेशल प्रकार होता है जो कि है लंबवत रेखाएं। अब हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको रेखाओं के बारे में पता है तो दो रेखाएं यदि एक पॉइंट पर कट करें, अच्छा ये बताओ कि क्या कोई भी दो रेखाएं दो दो पॉइंट्स पर कट कर सकती हैं क्या? जल्दी से बताओ कि ऐसे ही बता दो कि कोई भी दो रेखाएं दो पॉइंट्स पर कट कर सकती हैं क्या? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने पहले क्यों पूछ लिया, क्योंकि मैं बस आपको पहले जानना चाह रहा था कि आपको, हाँ बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का यस आ रहा है, काफी का नो आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने क्या पूछा कि क्या कोई भी दो रेखाएं दो या दो से ज्यादा बिंदुओं पर कट कर सकती हैं? अच्छा, कर सकती हैं क्या? तो कोई भी, जिसने भी यस बोला है, तो उनमें से कोई भी एक बच्चा, अच्छा मैं ना नाम बोल देता हूं, हिसार से टी के नाम से जो बच्चा, वो बताएगा कि कैसे कर सकती हैं। आप बताइए, मैं बनाता हूं, आप बताइए मैं कैसी रेखाएं कैसे बनाऊं कि वो दो बिंदुओं पर कट करती हुई दिखाई दे मुझे। अच्छा, बताओगे अनम्यूट और एक करके? बार क्वेश्चन दोबारा से बोलना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यदि मैं कोई भी दो रेखाएं बनाऊं तो क्या वो दो या दो से ज्यादा बिंदुओं पर कट कर सकती हैं? कोई भी दो लाइंस दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर सकती है? अच्छा, क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, सॉरी आंसर चेंज नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि नो अगर सर। किसी ने नो भी बोला है ना, तो भी मैं उससे पूछूंगा कि क्यों नहीं कर सकती, तो इसलिए देख लो, नो सर। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना, आप ये कह रहे हो नो का मतलब। यस सर। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने चेंज कर लिया। हाँ जी, सीमा रानी के नाम से जो भी है बच्चा है, हाँ बताइए, सीमा रानी के नाम से जो भी बच्चा है आप सर बताइए। क्योंकि उनका एक मिड पॉइंट है, एक एग्जैक्टली शेयर इट्स मिड पॉइंट हाँ, मिड पॉइंट कह सकते हैं बिल्कुल, सर। लेकिन एक हमेशा मिड, मिनट, हाँ वन टू हाँ लाइन शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दे कैन कट टू लाइंस। ठीक है, हाँ मतलब ये भी हो सकता है जो आपने बताया कि यदि वो इंटरसेक्टिंग है तो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, करेक्ट। अच्छा मैं क्या बना रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन था वो मैं समझ गया, जो वो आंसर देना चाह रहे थे ना, मैं भी समझ गया, हाँ ये क्वेश्चन नहीं था, बट जो वो आंसर देना चाह रहे थे वो भी सही था, वो गलत नहीं था, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अच्छा इनको ना भी हम समझते हैं, मैं अलग अलग तरह के उदाहरण क्यों लेता हूँ, एग्जाम्पल्स क्यों लेता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ, ठीक है, नहीं तो मैं इनकी डेफिनेशन से आपको अगले ही स्टेप में समझा सकता हूँ, इनकी डेफिनेशन से ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो डाउट्स हैं ना वो पहले क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक गेम खेला करेंगे ऐसे ही, कि पहले आप आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा, है ठीक है। एक लाइन ये हो गई, अब मैं क्या करता हूं, इसके दोनों एंड पॉइंट्स पे इस तरह का एरो बना देता हूं ताकि ये लाइन दिखे, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं
क्या कोई ऐसी लाइन है जो उसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर सकती है? हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कोई एक ऐसी लाइन बना सकता हूं, क्वेश्चन सुन लेना वापस से, कि क्या मैं कोई भी एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो इस ब्लू लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करे? यस और नो बताना है आपको, वाई और एन, कि क्या मैं कोई भी एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो ब्लू लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करे? यस और नो? अगले 5 सेकंड में सभी को आंसर करना है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं ना, क्योंकि कुछ बच्चे यस बोलते हैं, कुछ नो बोलते हैं। अच्छा, आपने अपने आंसर बताया कर... हाँ, मैं बोल देता हूं, मैं पहले ही बता देता हूं कि सभी ने आंसर बताया करो, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे आपने गलत बताया, मैं कभी ये नहीं कहता कि आपका गलत है, आपने गलत क्यों बताया, बताया करो, चाहे वो आप कैसे बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि ये ब्लू लाइन मैंने बनाई है, ये दिख रही है ना सभी को ब्लू लाइन, ये वाली। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं कोई एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो ब्लू लाइन को एक से अधिक पॉइंट्स पर कट करे? ऐसी बना सकता हूं क्या सर? एक ही लाइन? एक ही लाइन, हाँ एक ही लाइन की बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा नहीं। मैंने यही पूछा कि क्या मैं कोई भी एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो इसको एक से अधिक पॉइंट्स पर कट करे। जल्दी से बताइए, यस और नो। अच्छा, काफी ने बता दिया, ठीक है, मैंने ही मिस किया था। अच्छा, काफी बच्चों ने यस बोला है। पहले यस वाला कोई भी बच्चा बोलेगा कि ये कैसे बना सकता हूं मैं? यस वाला कोई भी बच्चा बोलिए, कोई भी अनम्यूट कर लीजिए। अब अपनी क्लास को ऐसे करते हैं ना, कोई भी बच्चा बोल सकता है। अच्छा, जल्दी बताइए, देखो टाइम हमारे पास 1 ही घंटा होता है ना, ऐसे आप चुप रहोगे तो फिर शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई भी बच्चा बता दो, कोई भी। अच्छा, हिसार सिटी के नाम से जो था उन्होंने, शायद वो पहले ही बोल चुके हैं, उनका मैंने नाम ले दिया, फिर से बोलो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। मैंने एक ब्लू कलर की लाइन बना रखी है स्क्रीन पर जो आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं कोई भी एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो इस लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करे? हाँ जी, निपी कुमार के नाम से जो भी बच्चा, देखो आप दूसरे बच्चों का नाम नहीं ले सकते, आपको बताना है तो आप बताइए। आप सकते हैं, बना सकते हैं कैसे? अच्छा बताओ, मैं बनाता हूं, कैसे बनाऊं मैं? जल्दी बताइए कैसे कैसे बनाऊं? ठीक है, चलिए कोई मत बताइए, मैं बता देता हूं। ठीक है, कोई मत बताओ, मैं बता देता हूं कि मैं एक रेड कलर की लाइन बना रहा हूं। कैसी बना रहा हूं? रेड कलर की लाइन। क्या मैं एक ऐसी और लाइन बना सकता हूं? ऐसी वाली लाइन। ये कितने बिंदुओं पर कट कर रही है इसको? कितने बिंदुओं पर कट कर रही है इसको, जल्दी बताइए, गिन सकते हो क्या तुम? सर एक एक ही बिंदु पर कट कर रही है? तीन। अच्छा, ये तो कितने भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं, तो हाँ कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, इन रेखाओं को ना संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि आपके माइंड में इस तरह की रेखाएं आएंगी कि नहीं, इनको आप बाद में पढ़ोगे, वैसे इन रेखाओं के बारे में आप बाद में पढ़ोगे। हाँ, तो ये तो बहुत सारे बिंदुओं पर हो गए ना, क्योंकि ये तो एक के ऊपर ही एक रेखा है, तो सारे बिंदुओं से वही गुजरती है, जितने से एक गुजरती है उतने से ही दूसरी गुजरती है। मतलब कट करने का मतलब क्या होता है कि कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, तो कॉमन पॉइंट्स इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, बहुत सारे, हाँ इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बस मैं ये समझना चाह रहा था। चलिए अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या था? हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना था। तो चलिए सबसे पहले हम समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी ने रेल की पटरियां देखी हैं? सभी ने रेल की पटरियां देखी हैं क्या? कमेंट में बताइए। रेलवे ट्रैक देखा है सभी ने? वहां ना रेल की दो पटरियां होती हैं जनरली, कहीं कई कई जगह चार भी होती है, कई कई जगह उससे भी ज्यादा होती हैं। क्या वो दोनों आपस में कभी एक दूसरे को कट करती हैं? क्या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि सभी बच्चों, सभी ने रेल की पटरियां देखी होंगी, तो वो रेल की पटरियां जो रेलवे ट्रैक पे होती हैं, वो रेल की जो दो पटरियां होती है, चार पटरियां होती है, वो एक दूसरे को कट करती हैं क्या कभी भी? सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी, अभी समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं, पिछला पार्ट।
उससे पिछले मैंने बोल दिया, मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था वहां कि क्या कोई ऐसी रेखा होती है जो इसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करे। बिल्कुल होती है, यदि मैं एक और रेखा इसके जस्ट ऊपर बना दूं तो। समझ रहे हो कैसे, कि मान लो एक पेन ये है, आपको एक और पेन लो और इसके ऊपर रख लो, तो उसके तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे ना। बस इतना सा समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है, वो बस ऐसे ही ताकि आपको ये समझ में आए। हाँ, अब उसको क्यों समझाना चाह रहा था मैं, आगे किसी क्लास में बताऊंगा, उसका भी एक स्पेशल कारण है, मैंने अभी क्यों बताया। ठीक है, अभी हमें, हाँ नहीं करती ना, क्वेश्चन ये था कि वो पटरियां कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल लाइंस की तरह काम करती हैं, समांतर रेखाओं की तरह काम करती हैं। तो समांतर रेखाएं क्या है कि ऐसी लाइंस या ऐसी रेखाएं जिनको कितने भी दूर तक बढ़ा लो दोनों साइड, वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाली लाइन को मैं इस साइड कितना ही दूरी तक बढ़ा लूं, और इस साइड भी सेम, इस लाइन को अगर इस साइड बढ़ा लूं और इस साइड बढ़ा लूं, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके बीच में ना जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। कहीं से भी नाप लो, कितनी भी दूर जाके नाप लो, ये जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। जैसे रेल की दो पटरियों के बीच में जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है, इसलिए तो वो एक दूसरे को कट नहीं करती। सेम कॉन्सेप्ट वो समांतर रेखाओं का है, कि समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी भी एक दूसरे से ना मिलें या एक दूसरे को कट ना करें, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, रेल की पटरियां अगर एक दूसरे को कट कर जाएंगी तो क्या होगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, क्योंकि जो ट्रेन के पहिए हैं वो तो हमेशा फिक्स दूरी पर है ना, वो तो उसमें लगे हुए हैं। अगर ट्रैक या जो रेल की पटरियां वो कट कर ली, तो फिर रेल के पहिए कैसे जाएंगे, वो तो नीचे उतर जाएंगे ना पटरी से। इसी वजह से जो रेल, हाँ जी सर, रेल की पटरियों के साइड में पत्थर क्यों होते हैं? हाँ, वो भी पैरेलल होते हैं, जो उसके बीच में लगे होते हैं वही ना, वही कह रहे हो आप। अच्छा, पत्थर क्यों होते हैं, छोटे छोटे कंकड़? यस सर, वो साइंस में पढ़ोगे आप, मैं बता सकता हूँ। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी होता है, या उनके बीच में गैप ना आ जाए, एक ये भी होता है। अगर वो जो कंकड़ होते हैं ना, वो कंकड़ क्या, उनको नीचे नहीं जाने देते। अगर हम केवल मिट्टी रखें तो क्या होगा, मिट्टी कहीं कहीं से नीचे दब सकती है, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन तो है ही, ठीक है, फ्रिक्शन तो कह सकते हो, हाँ, अदरवाइज होगा क्या, वो पटरी ऊंची नीचे हो जाएगी। जैसे मान लो कहीं से मिट्टी धस गई तो वहां से नीची हो जाएगी, और कहीं से नहीं धसी तो वहां से ऊंची, तो ऐसे चलेगी ट्रेन आपकी। ठीक है, इसी वजह से कंकड़ इसलिए रखते हैं कि कंकड़ तो धसेंगे नहीं, वो तो एक पत्थर है ना, तो इसीलिए कंकड़ बहुत सारे वहां रख देते हैं। हाँ ठीक है, वैसे आउट ऑफ टॉपिक हो गया, कोई बात नहीं। समांतर रेखाएं समझ में आ गई ना, समांतर क्या होती है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, समांतर रेखाएं कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहते हैं हम उनको। ठीक है, अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इससे जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कट करें, हमेशा कट करें, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे एक लाइन तो ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, तो ये सॉरी एक लाइन ये वाली हो गई, तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही है, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई यहां, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, करेक्ट। ठीक है, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि जो कभी भी कट नहीं करेंगी वो पैरेलल लाइंस, और जो एक पॉइंट पर कट करेंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपका ये कि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर सकती है कि नहीं, वैसे नहीं करती कोई भी लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट। जो अभी मैंने बताया था वो एक स्पेशल केस है, वो आप आगे की बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, 9th और 10th क्लास तक आप केवल इन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही ना, या पैरेलल लाइंस का एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है वो, कि ये एक दूसरे को कट तो करें, लेकिन यदि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर दें, तो ये जो लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, लंबवत रेखाएं होती है। इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि यदि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, यह आया समझ में सभी को, कि इनके बीच में जब 90 डिग्री का कोण हो तो ये लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपके समझ में आ, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया समांतर, प्रतिच्छेदी और लंबवत, तीनों क्या क्या होती हैं? समांतर, जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, प्रतिच्छेदी, जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करें, लंबवत मतलब वो कट तो करती है, मतलब वो प्रतिच्छेदी तो है ही,
अगर कोई भी मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो वो इंटरसेक्टिंग तो है ही, लेकिन वो स्पेशल केस है कि वो इंटरसेक्ट 90 डिग्री के कोण पर करती है ना, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हम उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो समय हो गया है, जल्दी से हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते। अच्छा रुको रुको रुको, एक और चीज बता देता हूं मैं, रुको रुको रुको, एक चीज मैं बताना भूल गया कि आप कैसे पहचानोगे। देखो होता क्या है कि जो रेखाएं हैं वो केवल आपको इतनी ही दी जाती है जनरली, ठीक है। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि यदि मैं इनको आगे तक बढ़ाऊं तो ये कट करेंगी या नहीं करेंगी, केवल इतनी सी देख के तो कैसे पहचानोगे। मेरा कहने का मतलब ये कि मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी छोटी, ठीक है, एक मैंने ऐसे बना दी। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये पैरेलल लगे दोनों, कुछ को नहीं लगे, तो फिर कुछ तो रीजन होता होगा ना कि हम कैसे पहचाने हमेशा कि वो पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। कुछ तो गणित में नियम बनाया होगा उसका, तो उसको बनाने उसको नियम को बताने के लिए क्या करते हैं कि हम एक इस तरह के निशान बनाते हैं दोनों लाइंस पर। अगर दोनों लाइंस पर इस तरह का सेम तरह का निशान बना हो, इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आया, मतलब वो समांतर रेखा हैं। अच्छा अगर आप ये बोलो कि सर अगर मुझे एक लाइन ऐसे दे रखी है और एक लाइन ऐसे दे रखी है लेकिन इस पे निशान नहीं बना रखा, तो तब क्या मैं ऐसे इनको बता सकती हूँ कि समांतर रेखाएं हैं? नहीं, नहीं, तब ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी जब तक कि आपको इस तरह का निशान नहीं दिया जाए। या तो इस साइड में होगा या फिर दूसरी साइड में भी हो सकता है, मतलब इस साइड में भी हो सकता है निशान। आया ही समझ में कि समांतर रेखाओं में क्या देखना है आपको? अगर ये इस तरह का निशान दे रखा है तो समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। इसलिए किसी को भी अंदाज से नहीं बोलना। कैसे? जैसे लंबवत रेखाओं में भी तो आपको हमेशा समकोण कब पहचानते हो? समकोण में जब आपको इस तरह का दे के रखे, तभी तो राइट एंगल बोलते हो। इस तरह का एक एंगल दे के रखता है, मान लो ये इस तरह का एंगल ना दे तो क्या आप कह सकते हो राइट एंगल है? बस बस मैं ऐसे बना दूं इसको, मैं बस यदि इसको ऐसे बना दूं, नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि हमें समकोण की गणित में पहचान दी गई है राइट एंगल की, ऐसे कि इस तरह का जब एंगल होगा तभी हम उसको राइट एंगल बोलेंगे। इसी तरह से ये पैरेलल लाइंस की पहचान है कि या तो इस साइड में एरो होगा या इसके अपोजिट साइड में एरो होगा, ठीक है। ये आया समझ में? जल्दी से बताइए, ये आया? अब हमारे पास बस 6 मिनट बचे हैं, हमें दो क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। ये समझ में आया? कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी बच्चों को कमेंट में आंसर नहीं करना, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं करना, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? हमें ये बताना है कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। अब देखो जल्दबाजी में ना कुछ बच्चे गलत करेंगे। अभी मैंने बताया था कि लंबवत के लिए और समांतर के लिए कुछ निशान दिए हुए होते हैं, यहां हमें लंबवत बतानी है तो लंबवत के लिए कुछ एक निशान दे के रखता है, स्पेशल साइन जो होता है मैथ्स में, तभी हम कह सकते हैं कि वो लंबवत है। केवल आप देखने से नहीं बता सकते कि कोई भी लंबवत है कि नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं बता सकते ना, हो सकता है वो 89 हो सकता है वो 91 हो, तो भी वो दिखता तो 90 जैसा ही है। मैंने मना किया था ना कमेंट में वो लिखने के लिए, कमेंट में लिखने के लिए मना किया था ना मैंने। अमित कुमार जी और मिस्टर भारत के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने मना किया था ना कमेंट में लिखने से। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी एक या दो बच्चे और बचे हुए हैं, एक या दो बच्चे और बचे हुए हैं, वो अपना आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, अच्छा पहले इसमें क्या मैंने क्या उल्टा बोला था वैसे? अपोजिट बोला था मैंने कि कमेंट में लिखना, ऐसा बोला था? यस सर। ओके ठीक है, अच्छा ये ना कभी नहीं करना आपको, कमेंट में कभी नहीं लिखना, जब भी पोल स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है। हाँ कई बार जल्दी जल्दी मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है, चीटिंग है। हाँ ये तो चीटिंग है, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे ना ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन पे आते वापस, लंबवत रेखाएं कौन सी है। अच्छा ये इस पे तो इस तरह के निशान है तो ये तो समांतर हैं, मतलब लंबवत नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन भी देखते हैं तो 90 डिग्री का यहां दे के रखना चाहिए जो लंबवत का निशान है, लेकिन वो नीचे दे रखा है,
तो नीचे दे रखा है तो क्या हुआ, ये भी फिर 90 डिग्री ही होगा। कैसे, कि अगर ये 90 डिग्री है और टोटल 180 होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो समकोण का निशान है ना, वो चारों साइड कहीं भी दे के रख सकता है, चाहे वो यहां दे, चाहे वो यहां दे, चाहे यहां दे या यहां दे, इनमें से कोई भी अगर एक दे रखा है तो वो समकोण ही या राइट एंगल ही होता है और वो लाइंस परपेंडिकुलर ही होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी तो हमें दिख भी रहा है और कहीं दे भी नहीं रखा कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो केवल इंटरसेक्टिंग है, ये परपेंडिकुलर का हमें नहीं पता, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ए भी गलत था, डी अच्छा, डी इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा। कैसे, कि आपको ऐसे लग रहा होगा काफी बच्चों को कि ये 90 डिग्री हो भी सकता है, मतलब ये लंबवत हो भी सकती है और लंबवत नहीं भी हो सकती। तो पता कैसे चलेगा, अभी मैंने बताया था ना, जैसे समांतर के लिए इस तरह का निशान देते हैं, इसी तरह से लंबवत के लिए भी इस तरह का निशान हमेशा देगा एग्जामिनर या फिर आपके बुक में, तभी आप कहोगे कि ये लंबवत है। अब यहां दे ही नहीं रखा, यहां तो दे ही नहीं रखा था ना, यहां तो इस तरह की लाइंस थी, तो इनके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये लंबवत है या परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ये आया समझ में कि ऑप्शन डी गलत क्यों होगा, इंटरेस्टिंग था या ऑप्शन डी। अटेंडेंस लिख, एक मिनट बस, एक और क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन बी सही है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अटेंडेंस की बात करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अब इसमें से समांतर बतानी है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको ध्यान रखना है समांतर का क्या कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन नंबर 8 सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। 1 मिनट बचा है तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है बस, ये सभी बच्चों को पोल सेक्शन में बताना है कि जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से समांतर रेखाएं कौन सी हैं। दो बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं अभी तक, दो बच्चों ने आंसर गलत दिया, बाकी का सही है, मतलब काफी का सही है, लेकिन दो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। हाँ जी, सभी के आंसर देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, सभी के बिल्कुल 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 सभी के आंसर दिखते हैं मुझे। अच्छा, नाम ना अभी पता नहीं चलते, क्योंकि अगर नाम में देखने लगूं तो काफी टाइम लग जाएगा, क्लास के बाद मुझे सभी के नाम भी पता चल जाते हैं कि कौन से बच्चे ने कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर दिया था, तो सभी के पता चलते हैं। एक और बच्चा बाकी है, लास्ट 5 सेकंड और वेट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, समय समाप्त, समय समाप्त। हाँ जी, बहुत ही आसान था। ठीक है, इसको ना 1 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बस क्लास को खत्म करते हैं। अच्छा, एक होमवर्क की बात तो करेंगे, 1 मिनट उसमें उड़ जाएगा। समांतर रेखाएं बतानी थी, तो ये तो समांतर है ही नहीं, कट कर रही है, तो ये तो गलत है। अच्छा, फिर से निपी कुमार, अमित कुमार, आप ना ऑप्शन या कमेंट में आंसर नहीं लिख सकते, मैंने मना किया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में समांतर सी लग तो रही है, लेकिन हमें एरो का निशान नहीं दे रखा, या तो हमें कुछ इस तरह का एरो दे के रखता, या फिर दूसरी तरह से इस तरह का भी, इस साइड भी एरो दे के रख सकते थे, तभी हम कहते ये पैरेलल लाइन से या फिर समांतर रेखा है, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी में तो क्लियर दिख ही रहा है, ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये तो समांतर हो भी नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में अच्छा, ये समांतर सी लग भी रही है और हमें ये एरो का निशान भी दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ जी, हिसार सिटी के नाम से पूछा, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूं मैं, पहले आप ये बताओ। अटेंडेंस की हम बात सबसे लास्ट में करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि आपके क्वेश्चन को अभी सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे, होमवर्क की बात करते हैं अब हम। हाँ, वर्कशीट निकालेंगे सभी बच्चे, अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, कोई बात नहीं, नहीं है तो मैंने बोला ना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जिसके पास है उसके पास अच्छी बात है, जिसके पास नहीं, अच्छा है तो वो कैसे करेगा, अच्छा किसी के पास भी नहीं है कोई बात नहीं, तो सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अभी, सभी बच्चों, प्रश्नावली 3.1, अब प्रश्नावली 3.1 करनी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन तो यहां दिख ही रहा है, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दे रखा है कि जो वी यू है वो एक किरण है। ठीक है, वो एक किरण है, ये आपको दे ही रखा है ये तो। ठीक
ठीक है, अच्छा फिर आपको सॉल्व क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, अब मैं अगले उस पे जाता हूं, लास्ट 3 सेकंड रुकता हूं, 1 2 3। हाँ जी हिंदी में, ये देखो ये तो समस्या है, हिंदी में है, इंग्लिश में अभी हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है अगला ये है, उसका अगला पार्ट ये है, प्रश्नावली 3.1 का ही अगला पार्ट ये है, 10 सेकंड रुकेंगे हम इस पर, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा हिंदी इंग्लिश से ना तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे इसमें ना, हिंदी इंग्लिश का इतना कौन वो है नहीं प्रॉब्लम, आप समझ जाओगे अगर आपके पास इंग्लिश भी है तो। 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। ठीक है अगले उस पर चलते हैं, प्रश्नावली पे 3.2 पे। ठीक है 3.2 सभी को दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, आपको यहां इनके नाम बद लिखने और चिन्ह लिखना है कि किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताना है आपको नाम क्या है, मतलब ये रेखा है, रेखाखंड है, किरण है, मतलब लाइन है, लाइन सेगमेंट या रे है, और उसको किस प्रकार से हम लिखेंगे या प्रदर्शित करेंगे। ठीक है इसको मैं इरेज कर देता हूं, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी लेंगे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट। 5 तक गिनता हूं मैं, 5 4 3 2 1। ठीक है स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए ये तो हो गई होमवर्क की बात, टाइम, हाँ टाइम हो गया, यस 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 टाइम हो गया, तो चलिए अब आते हैं अटेंडेंस पर। ठीक है हाँ जी, अभी एक बच्चे का डाउट था अटेंडेंस का, उन्होंने बोला कि जरा जब हम SRN भरते हैं तो अटेंडेंस लगती नहीं है क्या, लग जाती है, तो सभी बच्चों ने आज की क्लास भी SRN भर के ही ज्वाइन की होगी, तो आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, लेकिन ध्यान रहे उसी बच्चे की अटेंडेंस लगती है जिसने 80% से ज्यादा समय क्लास ज्वाइन की है, मतलब मान लो 1 घंटे की क्लास होती है, अगर किसी बच्चे ने 50 मिनट तक की क्लास ज्वाइन की है केवल उसी की अटेंडेंस लगती है, अगर मान लो किसी बच्चे ने 25 मिनट या 30 मिनट ज्वाइन करके छोड़ दिए क्लास तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगती, ये सभी को ध्यान रखना है, तो इसीलिए सभी बच्चों को पूरा टाइम। हाँ जी सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चे बताइए।